अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ना वो क्लासिक कार्स लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ। ये बेसिकली ना शोरूम है ना कोई, ये प्राइवेट म्यूजियम है, ठीक है। यहाँ पे 10-20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए अलाउ करते हैं अंदर आना सिर्फ पिक्चर्स के लिए। तो हमने पूछा है वीडियो के लिए, तो वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे क्विकली। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ किस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, और जिनकी ये प्राइवेट कलेक्शन है उनका भी मैं यहाँ पे आपको नाम दिखा देता हूँ। मुझे नाम उनका भी भूल गया, काफ़ी लंबा सारा नाम है, आपको दिखा भी देता हूँ, फिर मैं इसमें बता भी दूंगा। तो मैं जल्दी से आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। और ये दुबई के दरमियान में जो है ना इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो ये एयरपोर्ट के साथ ही है। तो मैं आपको जल्दी से क्विकली दिखाता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। सबसे पुरानी से पुरानी जो स्टार्ट हुई थी न्यू में, उससे लेके और ये पूरा जो म्यूज़ियम है यहाँ से वो पीछे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये गाड़ी जो है ये फोर्ड की गाड़ी है, और ये जो स्टार्ट में आई थी, स्टार्ट में गाड़ियाँ यहीं से, उनमें से गाड़ियाँ जो इसको घुमा के स्टार्ट करते थे गाड़ियाँ, ये वो वाली गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इनमें बैटरी वगैरह का सिस्टम नहीं होता था। और इनको हम जो है ना ये चेक कर लें अंदर से, डैशबोर्ड बिल्कुल ही नहीं है, मतलब सीधा सीधा होता था, ये होता था स्टार्ट में जो है ना, पहले इस टाइप की गाड़ियाँ हुआ करती थी। और ये स्पेयर टायर हो गया इसका, और उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ गाड़ियाँ। ये मर्सिडीज़ है यहाँ पे, और 63 नंबर गाड़ियों के नंबर लगे हुए हैं, 63, 66, मतलब मे बी 100 कार्स हों यहाँ पे। और तो ये एक गाड़ी है, ये भी फोर्ड की गाड़ी है। मेरे ख्याल से स्टार्ट में जितनी भी ज़्यादा क्लासिक गाड़ियाँ ना, फोर्ड की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। मेरे ख्याल से स्टार्ट में फोर्ड ने बहुत ज़्यादा, जो मस्टैंग है वो भी फोर्ड की ही है बेसिकली। तो ये लकड़ी का सारा इसमें काम हुआ पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है ये कोई अमेरिकन गाड़ी है, इसका नाक देखें कैसे लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ज़बरदस्त होती होगी। ये लाइट्स देखें ना, इसकी अलहदा बाहरी लगी हुई हैं, उस स्टाइल की ही हैं। तो टच करना अलाउ नहीं है, इसलिए जो है ना मैं टच वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंटीरियर इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। और एक ये वाइट कलर की गाड़ी है, और ये भी मतलब क्लासिक है। ये भी इसे मैंने अबेंडेंड जो दिखाया था शोरूम, उसमें भी इस टाइप की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी। और ये जिस तरह की मिस्टर बीन के पास होती है गाड़ी, ये उस टाइप की गाड़ी है। और ये 60 नंबर गाड़ी है, 58 नंबर, मतलब नंबरिंग दी हुई है, और चेक कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होंगे, लेकिन ये सेल के लिए नहीं है, कोई यहाँ से ख़रीद नहीं सकता है इनको, ये सिर्फ जो है इन्होंने अपने शौक के लिए रखी हुई है। तो यानी कि हर मॉडल की हर गाड़ी रखी हुई है। ये लिंकन की गाड़ी है, ये भी अमेरिकन गाड़ी है। और ये देखें, एक ये गाड़ी है, इस पर मर्सिडीज़ का लोगो आगे लगा हुआ है, मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये मर्सिडीज़ है कि नहीं, मुझे लग तो नहीं रही मर्सिडीज़। और इसमें गोडज़िला भी लिखा हुआ है, CMC, और पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये, बेसिकली मुझे खुद श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी गाड़ी है। लेकिन इसका जो स्टाइल है काफ़ी यूनिक है, इसके जो ये हॉर्न लगे हुए हैं पाँ पाँ वाले, ये बाहरी लगे हुए हैं, ये चीज़ जब ये आई होगी अपने ज़माने में जो ना किलर होगी, उस जिस तरह अब लैम्बोर्गिनी वगैरह सेम उस स्टाइल में, मतलब उतनी ही वैल्यू इसकी होगी जो मुझे लग रही है। ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और उसके साथ ये मर्सिडीज़ है, कैडिलैक खड़ी है, ये कैडिलैक की गाड़ी देखें। अच्छा, इनका कैडिलैक का अभी भी ये स्टाइल आ रहा है यहाँ से ऐसे, फिर अंदर को ये कैडिलैक हो गई। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ओहो बहुत लंबी है ये, देख रहे हैं हम इतनी ही लंबी पहले गाड़ियाँ होती थी। जो दौर था उसमें लंबी लंबी गाड़ियों का ज़्यादा डिज़ाइन था, जितनी बड़ी गाड़ी होती थी जितनी लंबी गाड़ी होती थी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर चेंज होता गया, छोटी गाड़ियों पे आ गए यानी कि नॉर्मल साइज़ की, फिर कभी बड़ी गाड़ियों पे आ गए मैंने, फिर मतलब होता रहता है, सेंस चेंज होता रहता है। और अब जो है तकरीबन नॉर्मल गाड़ियों का ही ज़्यादा चल रहा है सीज़न। तो और देखते हैं अभी गाइस, तो ये है बुइक गाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमेरिका में, ये मैंने आपको अबेंडेंट कार्स में भी दिखाई थी वहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त है ये, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था। उस टाइम में मुझे इसका नाम प्रोनाउंस नहीं मैंने ठीक से किया था, अभी भी पता नहीं ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझे बताया था इसका नाम। और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील आ रही है इसकी सीट्स देख के। तो देखते हैं पीछे से डिज़ाइन चेक करें, काफ़ी फास्ट होगी अपने दौर में ये गाड़ी। और गाइस, तो ये एक रेड गाड़ी देखी है, क्या नाम हो सकता है इसका, कोई पता है इसका नाम है कोई, पता कोई नाम नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा कमाल लग रही है। एडी पीछे ही थोड़ा सा अपने देखी नहीं, हाँ कभी भी नहीं देखी अपने दौर में, ये जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, हाँ ये है 1891 से 2011 लिखा हुआ है ऊपर इसके, कहीं पे कैसीनो लिखा हुआ है कहीं कुछ शायद, यहाँ पे ये देख लें जो लिखा हुआ है इस पर। और ये देख सकते हैं पीछे से, देख सकते हैं, और
यार ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है अपने ज़माने में, अपने दौर में बहुत ज़्यादा कमाल हो गई है फॉर श्योर। यार ये अभी भी लेटेस्ट है भाई, अभी भी लेटेस्ट लग रही है, मजाक नहीं, अभी भी लेके इसको निकलें तो लोगों ने कहना पता नहीं लेटेस्ट मॉडल आया। इस तरह गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। और इसके साथ ही ओहो टायर चेक करें इसके, कितना चौड़ा टायर है, बहुत ज़बरदस्त ब्लैक कलर की गाड़ी है। एक शेवरलेट की गाड़ी है और ये देख लें इसके हाफ टायर जो हैं ऊपर बॉडी में कवर हैं, पहले ये स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चलता होता था। और ये देखें ये जीप्स, ये तो अभी तक इस शेप की जीप्स जो है वो आ रही हैं। और ये US क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जीप लग रही है, मिलिट्री की लग रही है जीप बेसिकली। अब पता नहीं मिलिट्री की है या नहीं, लेकिन स्टाइल सेम वही है मिलिट्री वाला इसका। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इनकी गाड़ियों की, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं क्विकली आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो नारायण कागान वाली साइड पे गाड़ियाँ चलती हैं सेम वही स्टाइल इन्होंने बनाया हुआ है इस गाड़ी का, ये देख सकते हैं ऐसा क्या, यानी कि जिस तरह स्टिकर लगाते हैं ऊपर ड्राइवर वगैरह वहाँ पर नॉर्थन एरियाज़ के अंदर, और लेकिन अमेरिका का फ्लैग इसमें लगा हुआ है। तो ये जीप मैं पीछे से भी आपको जाके दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही है ये। ये देखें पीछे से रक्षा लग रहा है, पीछे से कोई देखेगा तो कहेगा रक्षा जा रहा है। और ये फिर मिस्टर बीन की आ गई मिनी कूपर। ये वाली गाड़ी भी मैंने आपको उस अबैंडन जो शोरूम था वहाँ पे मैंने दिखाई थी, ये वाली भी एग्जैक्ट सेम गाड़ी लेकिन ग्रीन कलर में आई गैस वहाँ पे खड़ी हुई थी। और बेसिकली यहाँ पे हर टाइप की जो है ना वो गाड़ियाँ हैं क्लासिक, लेकिन उसकी प्राइवेट यूज़ में है यहाँ पे। वो मुझे एक गाड़ी नज़र आई है वो भी सेम वैसी ही उन्होंने स्टिकरिंग की हुई है जिस तरह वो करते हैं नॉर्थन एरियाज वगैरह में। मिट्सुबिशी का लोगो लगा हुआ है, UAE ऊपर लिखा हुआ है। और ये मिस्टर बीन की मिनी पजारो हो गई। ये फिर कैडिलैक है, फोर्ड, ये फिर मिलिट्री की दोबारा से, एक मिलिट्री की है, ये लग भी रही है मिलिट्री की इसके हालत से, और US मिलिट्री की लग है ये गाड़ी। और ये देखें पिछले दौर में जिस तरह अपने यहाँ पे अब शेवरलेट के दूसरे बड़े आए हुए हैं GMC के भी, जिस तरह पाकिस्तान में वीगो चलता है ज़्यादातर, तो इस तरह ये हैं इनके ट्रक्स वगैरह यहाँ पे। तो ये अभी भी लेके निकले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी भी इसकी मतलब काफ़ी अच्छी इसकी लगेगी। ये फीएट है, अच्छा मिनी कूपर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। सारी कार्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज से कलेक्ट की हुई हैं उन्होंने, कुछ सऊदीया से, कुछ ओमान से, कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से, मतलब हर कंट्री से जहाँ से भी उनको क्लासिक गाड़ी मिली है उन्होंने वहाँ से ली है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। कुछ पे तो नंबर प्लेट्स भी लगी हुई हैं उस कंट्रीज़ की ही जहाँ से ये लोग लेके आए हैं, कुछ पे नहीं लगी हुई नंबर प्लेट्स वगैरह। ये फीएट कितनी छोटी सी गाड़ी है मैं बैठ रहा हूँ फिर भी जो है ना मेरे से थोड़ी सी ऊपर है बैठ के भी, ये काफ़ी छोटी गाड़ी है। ये देखें ये एक और बुक मिल गई है मुझे, होपफुली मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये देखें ये गाड़ियाँ, एक ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अमेरिकन गाड़ी है अमेरिका में, और आई गेस चाइना में बहुत ज़्यादा ये गाड़ी चलती है और पसंद की जाती है। और अंदर से इसका इंटीरियर देख लें, उस दौर में कैसा इंटीरियर था इसका। यहाँ पे ये लैंड रोवर भी है, लैंड रोवर रेंज रोवर लैंड रोवर की ही है, ठीक है ये क्लासिक गाड़ी है। और उसके बाद ये एक टायर वाली ये भी गाड़ी आई गेस रिक्शा लग रहा है वैसे, लेकिन ये गाड़ी है ये भी, ये फोर्ड है। उसके बाद ये रोल्स रॉयस उधर भी ये खड़ी थी, ये भी है, ये भी लंबी गाड़ी है रोल्स रॉयस जिस तरह पहले होती थी पुराने ज़माने में। तो पीछे और भी आर्मी मिलिट्री वाली गाड़ियाँ जो हो गई। उसके बाद जो है ये भी US मिलिट्री की लग रही है गाड़ी, मिलिट्री की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भाई यहाँ पर। और ये गाड़ी कौन सी है, ये भी मिलिट्री की लग रही है। उसके बाद वो भी मिलिट्री की गाड़ी लग रही है, ये डोज की है, ये है मिनी कूपर। और ये जो है आई गेस के ये इतनी ओल्ड नहीं है, इसके पीछे खड़ी है, ये ओल्ड मॉडल है क्लासिक है, ये मर्सिडीज़ है, ये भी ओल्ड मॉडल है। और उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ ये बेसिकली सारी ही ये शेवरलेट की ही है, और ये भी रोल्स रॉयस है, ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, ये भी रोल्स रॉयस है। फोर्ड की गाड़ी है, इसके अलॉय रिम बड़े ज़बरदस्त लगे हुए हैं, ठीक है लैम्बोर्गिनी का ऊपर लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये लोगो लैम्बोर्गिनी नहीं है, ये फोर्ड ही है, चेक करें कमाल है। ओहो ये गाड़ी तो मैंने अभी गौर किया है कितनी लंबी गाड़ी है ये,
देखते हैं कौन सी है। अच्छा, पिछले ज़माने में ये बड़ा स्टाइल होता था, या ऊपर को या फिर टायर के ऊपर, इसके जिस तरह कानों पे बाल होते थे ना पिछले ज़माने में, उस तरह सेम ये भी है। तो ये आगे से देख लेते हैं क्या है। ये भी आई गेस बुइक हो, आई गेस मे बी, नॉट श्योर। और ये ऑडी का इन्होंने जो ऑफिस बनाया हुआ है उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो ये है जी पूरा शोरूम जी, नासिर बिन अब्दुल लतीफ अल सर्कल कोडोड LLC, ये इन्होंने लिखा हुआ है। और ये है म्यूजियम आउटसाइड से, ये इसके बाहर इन्होंने बनाया हुआ है। ये तो लाहौर गेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो इन्होंने बनाई हुई है बाइट से। और ये जो है ये शेवरलेट का खड़ा हुआ है बिल्कुल सामने। एक बहुत ज़बरदस्त ये पता नहीं होटल है या क्या चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त सी ये बनी हुई है। और ये शायद लिफ्ट है या क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत एक ज़बरदस्त सा राउंडेड है। और साथ ही आई गेस होटल ही है इसके बाहर। और इससे थोड़ा सा दूर एयरपोर्ट है, तो अगर आप लोग आना चाहें तो ये गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा पूछने की इनसे कोशिश की है कि मतलब ये कौन है, किसने मतलब ये रखा हुआ है सारा कुछ। तो वो कह रहे हैं जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है वो बंदा अभी यहाँ नहीं है, कहीं गया हुआ है या क्या सिस्टम है। तो इसलिए जो है ना उन्होंने इनके पास, उसके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी मेन रोड यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट है यहाँ पे, और मतलब मेन रोड के दरमियान में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ पूरा करने के लिए एक प्राइवेट म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना ये गाड़ियाँ आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस की ग्रिल का स्टाइल आज तक चेंज नहीं हुआ, और उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त था और अब तक भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही उसके मर्सिडीज़ खड़ी है। और आई होप कि आपका वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदनान के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो स्टे ट्यून्ड।